भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण चेतना साइकिल रैली का आयोजन हुआ। कालापीपल में जिला पर्यावरण संरक्षण समिति के बैनर तले साइकिल रैली का आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कालापीपल में पर्यावरण संरक्षण साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से लोगों में जन जागृति और चेतना का संदेश दिया गया। पर्यावरण के प्रति बच्चों और नगर के नागरिकों को रैली के माध्यम से बताया गया कि रैली में नगर के शासकीय विद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थियों और समाज के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण से रैली प्रारंभ होकर बस स्टैंड चौक पर समाप्त हुई। वहीं रैली संयोजक हुकुम सिंह देश प्रेमी ने रैली को लेकर लोगों को संबोधित किया। स्कूल से एक्सलेंट बोलते हैं क्या, उत्कृष्ट उस स्कूल से लेकर के पूरा मेन रोड से होते हुए और उधर नेहरू पार्क के सामने से इधर सारा स्कूल के सामने से बस स्टैंड पर समापन हुआ। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक पेड़ लगे, अधिक से अधिक पानी बचे, अधिक से अधिक सिंगल यूज पन्नी का यूज ना हो। पन्नी अगर आती भी है तो उसको इको ब्रिक्स बना ले। इको ब्रिक्स बनाया जा रहा है आजकल, जिसको जो बहुत उपयोगी है, जिसको जिसके कारखाने खुल गए हैं। तो ये है कार्यक्रम और सबने जितनी अपेक्षा थी सभी लोग आए भी सही, सभी स्कूलों ने और कोरोना काल की वजह से अपन ने सभी कम लोगों को बुलाया था तो और सब आए भी सही। सबका बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ लगाओ। गौरतलब है कि काला पीपल में साइकिल रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण चेतना को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, काला पीपल।